झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2022 के अगस्त महीने में पीजीटी की परीक्षा होती है, जिसमें से बाद में करीबन 7 से 8 महीने के बाद 4 विषयों के रिजल्ट जो है जारी कर दिए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी है, लेकिन 7 विषयों के रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किए जाते। सवाल ये उठता है कि जब परीक्षा एक बार हुई है तो फिर 7 विषयों के रिजल्ट आखिर क्यों रोके गए हैं, लिहाजा अपनी मांगों को लेकर के बड़ी संख्या में पीजीटी के परीक्षार्थियों ने आज से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन यानी बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीजीटी के परीक्षार्थियों की साफ मांग है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले तमाम विषयों के रिजल्ट जो है जारी कर दिए जाए। और हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि बच्चे को लेके आना पड़ा, अभी अभी मेरा बच्चा वोमिटिंग भी किया है, इसका तबियत भी खराब है, लेकिन हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि बीमार बच्चा को लेके हम लोग को आना पड़ा अपना हक के लिए। सर 7 विषयों का डीवी तक नहीं हुआ सर, और एक ही विज्ञापन में 4 विषयों को नियुक्ति पत्र भी मिलने वाली है सर, जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, उन लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर, और हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है 7 विषयों के साथ। हम लोगों का ये सर वो तो समझ ही नहीं आ रहा है हम लोगों, क्योंकि हम लोगों का इतना साफ सुथरा एग्जाम हुआ है, कहीं कोई चीज नहीं फंसा हुआ है, फिर भी क्यों लेट हो रहा है। हम लोग को इतना दिन से, हम लोग पिछले 2 महीने से रेगुलर हम लोग बच्चा ले लेके जेएसएससी ऑफिस आ रहे हैं, तमाम विधायकों और मंत्रियों के पास जा रहे हैं, चंपई सोरेन जी से भी मिले, और फिर आलमगीर वो बोले थे कि हमेशा आश्वासन ही मिल रहा है सर कि 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, इतने दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों का मांग है कि आचार संहिता से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोगों का रिजल्ट दिया जाए, 7 विषय को पूरा क्लियर किया जाए और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए सर, हम लोगों को भी 4 विषयों के साथ मिले और सबका साथ में ज्वाइनिंग हो। नहीं सर, क्योंकि हम लोग को 2 महीने से आश्वासन ही मिल रहा है कि 1 सप्ताह के बाद, ऐसे ऐसे कितना सप्ताह बीत गए सर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ तो कैसे भरोसा होगा सर, बताइए। उनके आने से क्या लग रहा है, जैसे कि कुछ बदलाव हो गया सर? थोड़ा तो बदलाव हुआ है क्योंकि रिजल्ट आ ही रहा है, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, ये हम लोगों को बहुत दुख की विषय है, बहुत दुखद बात है सर। हम लोग गुजारिश कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को रिजल्ट दीजिए या फिर हम लोगों को फांसी दे दीजिए, रिजल्ट नहीं तो फिर फांसी। सर घर परिवार का दबाव है ही, अगर बच्चा बीमार बच्चा को मैं देखिए सर, मेरे बच्चा को देखिए अभी सो रहा है कैसे गोदी में, सुबह से आए हुए हैं हम लोग, बच्चे को लेके आने के लिए मजबूर हो गए हैं, बीमार बच्चा को लेके आए हैं, तो समझ सकते घर परिवार का दबाव तो होगा ही सर। अगर बच्चा को तबीयत खराब होगा तो घर वाले तो बोलेंगे ही ना कि इनको लेके क्यों आंदोलन में गई, एक तो फैमिली का प्रेशर वो अलग ही है, ऊपर से ऐसे हम लोगों को रिजल्ट जल्दी से जल्दी, हम लोग हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि आचार संहिता से पहले हम लोगों का 7 विषयों का, झारखंड पीजीटी के 7 विषयों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। अभी तक तो जितने भी हम लोग जिनसे जिनसे मिले हैं, मंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, सभी से हम लोग मिल चुके हैं, और मिल चुकने के बावजूद भी हमें जो बस आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो रहा है, रिजल्ट आएगा आएगा, लेकिन हम लोग बस वेट करते हुए आज हमारे एग्जाम के लिखे हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं दिया गया है, और हम लोगों से बोला गया है कि रिजल्ट आप लोग का आएगा, लेकिन कब आएगा ये तो कभी नहीं बोला गया कि कितने दिनों पे आएगा, तो आने का ये क्या मतलब हुआ कि रिजल्ट आएगा, ये हो सकता है साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 6 साल हो सकते हैं, तो क्या हम लोग इसी उसी के आस में बैठे हुए रहेंगे, ऐसा तो बोलना गलत है। एक डेट दिया जाए हमें निश्चित रूप से कि हाँ इस डेट तक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, डीबी होगा, जो भी है एक निश्चित रूप से कहा जाए, और एक साथ जब विज्ञापन जारी हुआ, जब हम सभी का जब एक साथ विज्ञापन जारी हुआ, तो उन 4 सब्जेक्ट का क्यों रिजल्ट पहले आया, हम लोगों का क्यों नहीं आया 7 सब्जेक्ट का? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी का ज्वाइनिंग बाद में होगा, और यहाँ पे मंत्री वगैरह ये कहते हैं कि आज रिजल्ट दे दिए पीजीटी का, मतलब वाह वाही लूटते हैं वो लोग कि हम लोग रिजल्ट दे दिए, तो रिजल्ट देना तो सभी का रिजल्ट दे, एक साथ क्लियर करे सभी का रिजल्ट। सब कुछ पूछताछ किया गया है, बस आएगा आएगा आप लोगों का रिजल्ट, बस यही आश्वासन दिया गया। आज से 2 महीना जनवरी से हम लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बोल दे कि हाँ रिजल्ट आएगा और इतने तारीख तक आएगा। अंततः अभी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जो बाकी 4 सब्जेक्ट हैं उनका डीवी हो गया, आज काउंसलिंग भी हो रहा है, और हमारा आज तक रिजल्ट तक नहीं दिया गया है, तो डीवी तो दूर की बात है। अब इससे पहले बहुत सारे सीजीएल के परीक्षार्थी हो, जेई के परीक्षार्थी हो, नगर पालिका, तमाम लोग विरोध प्रदर्शन किए लोकतांत्रिक तरीके से, आपको लगता है एक रास्ता ये भी है? एक रास्ता अपनाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं,
स्टूडेंट कौन है जो पढ़ाई करते हैं और अपने हक के लिए उनको रिजल्ट के लिए क्या होता है, बार बार उनको दौड़ना पड़ता है, हर जगह दौड़ाया जाता है उन्हें, कभी सांसद के पास तो कभी विधायक के पास वो लोग शरण पे जाते हैं कि हाँ किसी भी तरह हमारा रिजल्ट निकले। इतने मेहनत से पढ़ाई करते हैं लोग, लाइब्रेरी में जाके देखें कि कितना मेहनत से सुबह निकलते हैं, बेचारों का मुंह सूख जाता है, बैठे बैठे वो लोग थक जाते हैं, कुछ खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी चना के आश्रय वो लोग अपना लाइब्रेरी में सारा दिन बिता देते हैं, और अंततः जब एग्जाम आती है, एग्जाम का तिथि आता है और रिजल्ट एग्जाम लिखने के बाद रिजल्ट के लिए उन लोगों को दौड़ना पड़ता है। इतना तो कोई पिता होगा जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए इतना टाइम नहीं लगाया होगा जितना कि आज हम लोग को रिजल्ट के लिए तपस्या करना पड़ रहा है। फंसने का तो कोई चांस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी एग्जाम पूरे की तरह पूरा पूरे भारत में अगर देख लिया जाए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ की जहाँ पूरा फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। लेकिन हाँ ऐसा भी है कि जो बच्चे जो मेहनत किए हैं, जैसे कि आज लड़कियों को अगर देखा जाए, छोटे छोटे बच्चे लेकर देखिए, आप देख सकते हैं ये बच्चा है छोटा, इनका बच्चा बीमार है, फिर भी ये लोग आए हैं, तो क्या हम लोगों को शौक लगता है घर परिवार छोड़कर छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे आना? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम लोग विवश हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर, जिस कारण आज हम लोग को धरना में बैठना पड़ा है।